हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रसाद के लिए पेड़ा बनाएंगे और इस पेड़े को हम व्रत में भी खा सकते हैं और बहुत कम सामान के साथ इस पेड़े को आज हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप लगभग 1.25 किलो से थोड़ा ज़्यादा मूंगफली ले लिया है और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे ताकि मूंगफली हमारी अंदर से एकदम सफ़ेद ही रहे। इसके छिलके थोड़े काले होंगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। इस तरह से इसे हमें भून करके तैयार करना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम ये काम करेंगे तो मूंगफली हमारी अंदर से बिल्कुल सफ़ेद रहेगी। तो देखिए, मूंगफली ये धीरे धीरे फूटने लग गई है। इसे हम करीब 12 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये इसमें काले धब्बे पड़ जाएंगे, जो कि हमें काले धब्बे इसमें नहीं करना है। तो देखिए, मैंने 15 मिनट के करीब मूंगफली को भून लिया है और इसे तुरंत मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और जैसे ये ठंडे होंगे तब इसके छिलके देखिए बहुत ही आसानी से निकलने लग जाएंगे। तो आप चाहे तो हाथ से इस तरह से रगड़ करके इसके छिलके निकाल लीजिए या किसी टॉवल पे डाल करके और इसको इस तरह से रगड़ करके इसका छिलका आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका छिलका निकाल करके इसको तैयार कर लिया है और इसमें जो एकाक दो दाने जल गए हैं, हमें दिख रहे हैं काले, उसको हम निकाल करके अलग कर देंगे ताकि हमारे पेड़े एकदम सफ़ेद बन करके तैयार हों। अब बारी आती है इसे पीसने की। तो एक मिक्सर में हम डाल करके इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एकदम बारीक सा इसका पाउडर बना लिया है। इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम पाउडर जो है हमारा बारीक होना चाहिए, इसमें दाने नहीं होने चाहिए। तो मैंने 2 पार्ट को इस तरह से पीस लिया है और 3रे पार्ट को देखिए मैंने पीसा तो है बारीक ही, लेकिन अब इसको मैं और पीसूंगी ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट हो। जिस तरह से हम पीनट बटर बनाते हैं ना, हमें उतना इसे पीसना है। तो देखिए, इसमें से तेल निकलने लग गया है, तो इसे थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी ताकि इसमें से थोड़ा तेल और निकले। तो देखिए, ये एकदम ऑयली हो गया है। तो अब इसे मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह से करने से हमारे जो पेड़े हैं इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और सभी को हम ऐसा कर देंगे तो पेड़ा जो है वो गीला हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा ड्राई पीसा है और थोड़ा लिक्विड किया है इसका। अब यहाँ करीब मैंने 300 ग्राम के आसपास काजू लिया है। हम काजू इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे पेड़े का जो टेस्ट है वो एकदम काजू कतरी की तरह लगे। तो अब काजू को भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसे मैंने पाउडर तो कर लिया है, लेकिन इसका भी ऑयल सेपरेट हो उतना हमें पीसना है। तो देखिए, काजू में से तेल अलग होने लग गया है। अब इसको भी हम जार से निकाल करके उस मिश्रण में ही डाल देंगे। काजू डालने से इसका टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना काजू का भी बना सकते हैं। अब यहाँ 2 कप में चीनी मिला दे रही हूँ। चीनी में मैंने 8-10 इलायची डाल करके साथ में पीस लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद है तो आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने चीनी के साथ पीस लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो बनाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ हैं चीनी में, इसको अच्छे से हम फोड़ते हुए दोनों हाथों से रगड़ करके इसको मिक्स करेंगे। फिर भी अभी ये ड्राई है, देखिए बाइंडिंग तो हो रहा है लेकिन ये ड्राई है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण को और मिक्सी में डाल करके एक बार और चलाएंगे। यहाँ हम दूध का यूज कर सकते थे, थोड़ा सा दूध डाल करके भी इसका हम डो बना सकते थे, लेकिन क्या है कि तब पेड़े की सेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो एक दूसरे बर्तन में मैं और इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है। अब देखिए, यहाँ मैंने थोड़े से मिश्रण को और चला लिया है तो ये गीला हो गया है। अब ये बहुत अच्छे से इसका डो हम बना पाएंगे। देखिए, बहुत बढ़िया सा अब ये बाइंड होने लग गया है।
तो अब इस मिश्रण का हम डो बना करके रख लेते हैं। आप इसे और रिच बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, आधा कप खोया या मावा पड़ा है आपके घर में तो आप उसे भी मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने पीस लिया है, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये डो बन करके रेडी होएगा। अगर आपको तुरंत यूज करना है तो यहाँ आप 2 चम्मच मलाई या 2-3 चम्मच दूध डाल करके भी इसका डो बना करके रेडी कर सकते हैं। इसके डो को हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस एक साथ इस तरह से बाइंड करते जाना है। इसको अब हमें मसलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये एक साथ में बाइंड हो जाएगा। पेड़ा बनाने के लिए इस तरह से मार्केट में अलग अलग तरह के सांचे डिजाइंस मिलते हैं, तो मेरे पास ये डिजाइन वाला सांचा पड़ा था, इसमें 6-7 डिजाइन हैं, तो हम सिलेक्ट करके कोई भी इससे बना लेंगे और बड़ा छोटा इस तरह से गोल गोल करके हम बनाएंगे। आप चाहें तो हाथ से इसे गोल गोल करके भी पेड़ा जैसे मिलता है उस तरह से भी बना सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड पड़ा था तो मैंने सोचा चलो डिजाइन ही बना लेते हैं। तो इस तरह से हम बड़ा छोटा जैसे भी बनाना चाहें उस तरह से पहले इसे हम गोल गोल बना लेंगे और फिर इसके बाद इस सांचे में इसको इस तरह से डाल करके और 2-3 बार आसानी से दबा करके बढ़िया सी डिजाइन देखिए बन जाएगी। और कितनी बढ़िया ये डिजाइन बन जाती है, जब ये डिजाइन बन जाती है तो ऐसा मालूम ही नहीं होता है कि इस पेड़े को हमने घर में बनाया है, ऐसा लगता है कि हम इसे मार्केट से लेकर आए हैं। और ये मोल्ड भी अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाता है, आप कहीं भी ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। तो देखिए सारे पेड़े मैंने बना करके तैयार कर लिया है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट की तरह है। ये दिखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो चलिए इसे हम एक बॉक्स में रख लेते हैं ताकि ये देखने में बिल्कुल मार्केट की तरह लगे। तो है ना बिल्कुल आसान इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।